दोस्तों नमस्कार आदाब सताल न्यूज़ क्लिक के खास कार्यक्रम हफ़्ते की बात में आपका स्वागत है दोस्तों हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी खबरें रही हैं लेकिन हम छह खबरों को लेकर आज आपके सामने बात करेंगे हम इन खबरों के अलावा इन खबरों को एक पर्सपेक्टिव में इस खबर ख़वर, इन खबरों को जनता यानी समाज में किस तरह लेना चाहिए और समाज कैसे ले रहा है इनकी असलियत क्या है क्योंकि कई बार खबरें जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में पेश की जाती हैं खासकर टेलीविज़न चैनलों में और बहुत सारे अखबारों में भी तो उसमें ख़बर कुछ होती है और उसको पेश किया जाता है किसी और रूप में इसलिए हम इस आज की इस पेशकश में जब हम हफ़्ते की बात पेश करते हैं तो हम खबर के साथ ऐसी चीजें भी आपके सामने पेश करते हैं जहां से वो खबर पैदा हुई वो पृष्ठभूमि और उसका इम्प्लीकेशन यानी उसका क्या होगा भविष्य में उसका अर्थ क्या होगा उसका मतलब क्या हो, 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 होगा समाज के लिए तो हमारी पहली कथा दोस्तों आज है यूपी में दमन और हनन की भयावह तस्वीर किस तरह एक निर्वाचित सरकार स्वयं ही आपराधिक किस्म का आचरण कर रही है एक ऐसी सरकार जिसको जनता ने स्वयं चुना है वो जनता के ही एक हिस्से को अपने शत्रु की तरह उसके साथ बर्ताव कर रही है ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनकी केवल प्राइवेसी ही नहीं भंग कर रही है उनके जीवन के लिए खतरा भी यह सरकार पैदा कर रही है दोस्तों आपको याद होगा कि 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर भयानक पुलिस दमन हुआ था वहां पर काफी आगजनी हुई थी तोड़फोड़ हुई थी कौन लोग थे करने वाले प्रदर्शनकारी कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया पुलिस के साथ सारदी वर्दीधारी लोगों ने भी काफी उपद्रव मचाया था ये भी बात सामने आई मीडिया में लेकिन सब धीरे धीरे दब गई उसके बाद यूपी के कई शहरों में इस तरह के पुलिस पुलिसिया दबन को लगभग दोहराया गया और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है और आपको भी याद आ रहा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में खासकर बड़ी संख्या में गोलीकांड हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इनकार करती रही कि उसकी पुलिस गोली नहीं चला रही है लेकिन पाया ये गया कि पुलिस गोली चलाते हुए कई वीडियोस में देखी गई तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सबका पर्दाफाश हो गया था अब दोस्तों हो क्या रहा है कि उसी घटना यानी 19 दिसंबर की घटना में जो लोग इन्वॉल्व बताए गए थे जिनको शासन ने कहा कि ये प्रदर्शनकारी थे या उनके प्रति सहानुभूति रखते थे ऐसे सत्तावन लोगों 57 लोगों की एक लिस्ट बना करके और लखनऊ के बड़े चौराहों पर बड़ी सड़कों सरक, पर ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं बुद्धिजीवी हैं लेखक हैं कलाकार हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और उन तस्वीर तस्वीरों पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं उस पर इनके नाम हैं पते भी हैं इनका एड्रेस दिया गया है कमाल की बात है अब इनसे पैसा वसूला जाना है कि जो इन्होंने उस दिन क्षति पहुंचाई अब साहब इसमें हैं साहब इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस हैं रिटायर्ड वो आईजी रहे हैं आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी रहे हैं उनको नजरबंद किया गया और नजरबंद करने के बाद जब वो स्वयं वहां नहीं थे लेकिन उन पर भी मामला लाद दिया गया और अब उनकी भी तस्वीर लगी है इसमें सदब जफर की भी तस्वीर लगी है जो कांग्रेस पार्टी की हैं इसमें ऐसे तमाम कलाकार बुद्धिजीवी लेखक उनकी तस्वीरें हैं दीपक कबीर इसमें हैं और बताया गया है कि कैसे ये लोग शरारती लोग हैं डिस्क्लो अब अब देखिए उनके उनके जो एड्रेस डिस्क्लोज किए गए हैं ये बहुत खौफनाक है एक जमाने में ब्रिटिश सरकार भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ऐसा बर्ताव करती थी लेकिन वो सिर्फ नाम और चित्र लगाती थी पते नहीं देती थी कम से कम इतनी शालीनता उस सरकार में थी जिसको हम अपने आ, 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 हम जिनके गुलाम थे उनकी भी सरकार ऐसा नहीं करती थी आज भारत में शातिर या फरार अपराधियों की सूची थानों पर लगाई जाती है उसमें भी आमतौर पर इनके पते नहीं होते पर राजनीतिक विरोधियों और बौद्धिक बिरादरी के लोगों की भयावह आपराधिक इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हुए योगी सरकार ने योगी महाराज की सरकार ने उत्तर प्रदेश में यह होर्डिंग लगवाई है जिसमें नाम के साथ एड्रेस भी हैं यानी किसी को भी आप उनका पता बता रहे हो जिस तरह का माहौल इस देश में पैदा हुआ है पिछले कुछ समय से आप किसी भी लंपट को किसी भी आपराधिक चरित्र को जो वाकई आपराधिक चरित्र हो उसको बता रहे हो कि अगर तुम इनसे निपटना चाहते हो तो जाओ उनके घर पे निपट लो ये हालत है और लोगों के घरों पर अटैक हो रहे हैं लखनऊ में भले अभी तक नहीं हुए हैं लेकिन दूसरी जगह तो हुए हैं आप दिल्ली में देखो क्या हुआ है दिल्ली के नॉर्थ जो इस इलाका है उसमें जो कत्लेआम हुआ जो आगजनी हुई बहुत सारे लोगों के घरों पर आइडेंटिफाई आइंटि, करके हमला किया गया तो मेरा ये कहना है कि जब मॉब लिंचिंग का माहौल अपने देश में बना हुआ है जब आगजनी हो रही है लोगों के घरों पर अटैक किया जा रहा है लोगों को मारा पीटा जा रहा है ऐसे में ये इश्तहार निकालने का क्या मतलब है इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं इस तरह के जो इश्तहार हैं इन पर जिनका नाम दर्ज है एस आर दारापुरी साहब उनकी बात मैं कर रहा हूं उन्होंने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के जो प्रमुख सचिव हैं उनको एक विरोध पत्र भेजा है जिसमें कहा है कि शासन ने सार्वजनिक पोस्टरों में मेरा और अन्य साथियों के नाम पते उजागर किए हैं अगर मेरे या मेरी तरह के कथित आरोपियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी देखना है देश की न्यायपालिका इस बाबत क्या फैसला करती है हमारी आज की जो दूसरी बड़ी कथा है दोस्तों वह है कि केंद्र सरकार ने मलयालम के दो न्यूज़ चैनलों पर 48 घंटे की पाबंदी लगा दी है इस फैसले से केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिया है कि गोदी मीडिया गैंग में अगर कोई टीवी चैनल शामिल नहीं होगा तो उसका यही हश्र होगा मलयालम के दो न्यूज चैनलों एशिया नेट न्यूज और मीडिया वन न्यूज के प्रसारण पर शुक्रवार सुबह साढ़े सात बजे से ही अगले अड़तालीस घंटे तक पाबंदी रहेगी सेंसरशिप की घोषणा के बगैर कंप्लीट सेंसरशिप कम से कम इन दो चरणों पर दिल्ली से केंद्रीय जो सूचना प्रसारण मंत्रालय हमारा है उसने इस आशय का आदेश कल जारी किया केरल में प्रमुखता से देखे जाने देखे जाने वाले इन दोनों चरणों पर दिल्ली की हिंसा के कवरेज में ऑब्जेक्टिव न होने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका और दंगे फसाद के दौरान दिल्ली पुलिस की जो निष्क्रियता के प्रति जो एक आलोचनात्मक रवैया था इन चैनलों का उस पर मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा खफा है क्योंकि इसका जिक्र किया गया है कि वो आरएसएस के प्रति पुलिस के प्रति आलोचनात्मक है उनका बड़ा क्रिटिकल व्यू है मीडिया वन चैनल के संपादक सी थॉमस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि मीडिया की स्वतंत्रता के दायरे में सरकार का यह बड़ा हस्तक्षेप है आज इमरजेंसी नहीं है पर सरकार ने निरंकुश आचरण का परिचय दिया है यह पूरे मीडिया के लिए एक खतरनाक संकेत है थॉमस का बयान जो है वो मैं समझता हूं कि जो भविष्य के जो बड़े खतरे हैं और मीडिया के दूसरे जो हाउसेज हैं खासकर जो स्वतंत्र मीडिया के पैरोकार हैं उन सब के लिए खतरे की घंटी है और इस पर जरूर लोगों को विचार करना चाहिए मजे की बात है कि पाबंदी का शिकार हुए दूसरे चैनल एशिया नेट को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उद्योगपति राजीव चंद्रशेखर के घराने के स्वामित्व वाली एक कंपनी चलाती है उस चैनल ने इस पर अभी तक कोई पोस्ट आ, आ, नहीं डाली है या कोई टिप्पणी नहीं की है इससे पहले सरकार ने 2016 में एनडीटीवी पर आपको याद होगा पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज के लिए एक दिन की पाबंदी लगाई थी पर एनडीटीवी फॉरन सुप्रीम कोर्ट गया और सरकारी आदेश को कोर्ट ने उस समय स्थगित किया था तो यह एक मैं समझता हूं इस वीक की बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि कैसे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दूर सुदूर का जो राज्य है केरल उसके वहां पर जो सबसे पॉपुलर दो चैनल हैं मलयालम के उन पर कैसे नजर रही है और कैसे आ, आ, उनकी जो स्वतंत्र पत्रकारिता की एक इच्छा क्योंकि हम देखते हैं कि रीजनल जो चैनल्स हैं उनमें कई ऐसे चैनल हैं जो दिल्ली के सो कार्ड जो राष्ट्रीय चैनल हैं उनके मुकाबले बेहतर बहस कराते हैं या बेहतर पर्सपेक्टिव में खबरें भी पेश करते हैं तो ये मुझे लगता है केंद्रीय जो मंत्रालय है उसने एक वहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन उसका रहा होगा उन्होंने उसको देखा होगा और ये एक हस्तक्षेप किया है दोस्तों हमारी तीसरी जो आज की कथा है कथा है वो दिल्ली में हिंसा थमने के बाद अब शासन खासकर पुलिस द्वारा सर्वाधिक जो पीड़ित समुदाय है उन्हीं के लोगों को दमन और उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है यह अजीब बात है मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसमें पुलिस और शासन का सहयोग कर रहा है सच पूछिए तो जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स पर या कुछ एक अंग्रेजी अखबारों में रिपोर्ट हो रहे हैं चैनलों पर हिंदी अखबारों में बिल्कुल उलट कहानी जा रही है तो मुझे लगता है कि इस पर यह बहुत ही हैरत बात है एक का ऑर्गेनाइजेशन है एन है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट इस संगठन ने अभी आरोप लगाया है कि पुलिस के आह्वान पर कि हर घटना का एफआईआर लिखा जाएगा जब कभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले लोग खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अपने घर दुकान के जलाए जाने या मारे पीटे जाने का एफ लिखवाने थाने पहुंच रहे हैं तो पुलिस उन्हें उल्टे केसेज में फंसा दे रही है और दोस्तों घटना जो भी उनके साथ घटी है लोगों के साथ चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों अगर वो थाने पर नहीं जाएंगे एफआईआर नहीं कराएंगे तो उनको कंपनसेशन यानी मुआवजे की जो राशि है उसके मिलने में भी काफ़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी तो मुझे लगता है कि ये पहलू ज़रूर सरकार को शासन को इस पर गौर करना चाहिए और मीडिया को भी ईमानदारी से इस इसे रिपोर्ट करना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है इसलिए हमने आज ये कहानी आपके सामने ये कथा ये जो प्रमुख बात है घटनाक्रम है इसको आपके सामने पेश किया और इससे जुड़ी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि देश की संसद में दिल्ली की इस भयानक हिंसा पर चर्चा कराने के लिए भी हमारी सरकार तैयार नहीं हो रही है जबकि दुनिया के अनेक देशों और इंटरनेशनल मीडिया में दिल्ली के कत्लेआम की सरेआम चर्चा हो रही है विपक्षी सदस्यों की मांग को दबाने के लिए उनके कथित और शोभनीय आचरण के नाम पर हाल ही में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सात लोकसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया बताया जाता है कि इसमें एक सदस्य जो गौरव गोगई जो असम से आते हैं उनकी तो मेंबरशिप ही पांच साल के लिए पूरी जो साल उनका बचा हुआ है उसको खत्म करने की तैयारी चल रही है ऐसा कहा जा रहा है राजस्थान के माननीय सांसद जो कि सरकार के समर्थक माने जाते हैं आरएलपी के उन्होंने उनका नाम है हनुमान बेनीवाल साहब उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में सदन के अंदर जिस तरह की अशोभनीय और असंसदीय टिप्पणी की उसके बारे में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का संकेत संसदीय लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं बहुत नकारात्मक गया है तो आप एक तरफ हंगामे के लिए गलत आचरण के लिए विपक्ष के सात मेंबरान की मेंबरशिप को सस्पेंड करते हैं कुछ समय के लिए और एक मेंबर की बताया जाता है अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद उनको शेष समय के लिए भी बिल्कुल ख़त्म कर देना है उनकी मेंबरशिप पता नहीं होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते लेकिन आप एक सदस्य जो अशोभनीय आचरण करता है गलत बात बोलता है उसको आप कुछ भी नहीं करते तो मैं समझता हूं कि ये संसदीय आचरण के हिसाब से हमारी संसदीय मर्यादा के हिसाब से एक बहुत ही निगेटिव डेवलपमेंट है आज हमारी चौथी कथा यस बैंक यस बैंक कैसे बना नो मनी बैंक इस पर है देश की खस्ता अर्थव्यवस्था के इस दौर में यस बैंक कैसे बना नो मनी बैंक यह कहानी बहुत दिलचस्प है लेकिन हमारे पास दोस्तों उतना वक्त नहीं है हमें कई खबरें आपके सामने पेश करनी होती हैं, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि बैंक का जो मार्केट कैप इस वक्त है वो चार करोड़ सितंबर 2018 में अस्सी हजार करोड़ था यानी छिहत्तर हजार करोड़ इसका जो घटा है इसके चौदह सौ रुपए वाले शेयर सोलह रुपए के रह गए हैं फिलहाल आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 अप्रैल तक इस बैंक के ग्राहकों या जमाकर्ताओं पर पचास हजार रुपए से ज्यादा निकालने पर पाबंदी लगा दी है बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि वो पचास हजार भी नहीं मिल पा रहे हैं और चेक जो जा रहा है वो तो बिल्कुल उसका भुगतान नहीं हो रहा है बैंक के एनपीए पर नजर डालें कुल एनपीओ कितना है इस बैंक का कैसे ये कछूमर निकला है कैसे ये कोलैप्स किया है आप इसकी एक तस्वीर देखिए दोस्तों कुल एनपीए इसका जो आ, इस बैंक का है वो पच्चीस करोड़ रुपए बताया गया है इसमें किसका कितना है बड़े बड़े पूंजीपतियों को बड़े उद्योगी उद्योगपति जो घराने हैं उनको कितना कितना दिया इन्होंने इस बैंक ने उनको दिया जैसे डी एच एफ एल बड़ी कंपनी इसको सैतीस सौ करोड़ दिया गया इस बैंक से रिलायंस एडीए तैतीस सौ करोड़ दिया गया आई एल एंड एफ एस इसको दिया गया चौबीस सौ बयालीस करोड़ पॉक्स एंड किंग्स को दिया गया इक्कीस सौ सत्ताईस करोड़ कॉफी कैफे डे जहां हम सब आप सब कॉफी पीते हैं पंद्रह सौ करोड़ और जेट एयरवेज को पांच करोड़ का है तो दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी और उनके मंत्री ये तो एनपीए की बात हुई कि कैसे निकला अब एक इससे बहुत जुड़ी बात है कि यह बैंकों की कहानी अद्भुत है कि अगर यस बैंक जैसा कोई बैंक अपनी नाकामियों से अपनी विफलताओं से अपनी कमजोरियों से अगर उसकी यह हालत होती है तो देश की जो बड़ी थाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यह उस पर क्यों इसको थोपा जाता है इस तरह के जो बैंक हैं जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर उसको तो मुनाफे जो कमाते हैं उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं यानी मुनाफे की पूरी रकम प्राइवेटाइज हो जाती है प्राइवेट हाथों में चली जाती है यह एनपीए उसका एक उदाहरण है लेकिन जब यह बैंक कोलैप्स करते हैं या कोलैप्स होने के कगार पर पहुंचते हैं तो होता क्या है सरकार के मत्थे मर दिया जाता है जो हमारे बैंक हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उनसे कहा जाता है कि अब बचाइए लोगों को यह एक बहुत ही खतरनाक पहलू उभर कर आया है यस बैंक की इस कहानी में कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चीजों को देखेगा वो वहां पर अपना मैनेज करेगा कि कैसे उस बैंक को बचाया जा सके तो प्राइवेट बैंक मुनाफा कमाएंगे और उनकी जो भी कमियां होंगी उसका भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक करेंगे मैं समझता हूं कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ये एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और ये सरकार जरूर इसके पीछे कहीं न कहीं इसका कोई गलत इरादा है इस बैंक के जो संचालक और सीईओ हैं राणा कपूर साहब इनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आ रही है कि ये राणा कपूर साहब ये वही राणा कपूर साहब हैं जिन्होंने 2018 में जो एक ग्लोबल बिजनेस समिट हुई थी उसमें अपने संबोधन में फाइव ट्रिलियन इकॉनमी की बात की थी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ मौजूद थे मोदी जी को यह जुमला बहुत अच्छा लगा और तब से मोदी जी भी और उनके तमाम मंत्री भी बोलने लगे फाइव ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया की होने वाली है बहुत जल्दी हम कर लेंगे हमारा टारगेट यह है तो यह फाइव ट्रिलियन जो इकॉनमी का जुमला है वो यस बैंक की ओर से ही आया है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि यस बैंक सरकार का कितना प्रिय पात्र एक जमाने में रहा है तो ये एक बहुत हैरत स्टोरी है कि कैसे निजी क्षेत्र के बैंकों का कारपोरेट के साथ सरकार के साथ जो रिश्ता है वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है दूसरे और मामलों में महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कैसे ध्वस्त हुआ था वो कहानी भी पूरे पूरा देश देख चुका है तो मैं समझता हूं कि यस बैंक की ये कहानी जो आज नो मनी बैंक बन गया है ये हमारी अर्थव्यवस्था जब इस दौर में है कि वो कोलैप्स तो नहीं मैं कहूंगा अभी लेकिन खस्ता हाल हमारी अर्थव्यवस्था है और ऐसे दौर में बैंकों का पिटना उनका लुटना पिटना ये एक खतरनाक संकेत है जिस पर सरकार संजीदा कम से कम नहीं नजर आ रही है पांचवी जो हमारी आ, कथा है आज आ, है एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के एक खास फैसले से यह संबंधित मामला है कि कैसे हड़ताल और बंद जैसी जो गतिविधियां हमारे लोकतंत्र में हैं असहमति और, और विरोध को आप अवैध नहीं घोषित कर सकते यह वैध कदम है कोई भी संगठन जो किसी राजनीतिक दल का सीधा हिस्सा नहीं है पर ऐसी गतिविधियों को किसी आंदोलन को किसी प्रदर्शन को किसी धरना को अगर सपोर्ट करता है और उसे विदेशी चंदा जो मिलने पर जो एक प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने हाल के दिनों में वो उसको वैध नहीं माना जा सकता एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उतरती हैं उनके अलावा जो और संगठन हैं चाहे वो एनजीओ हो सामाजिक संगठन हो एजेंसीज हो जो, जो मानवाधिकार के काम को या इवन लोगों के आवाम के संघर्षों में भी सपोर्ट अगर करते हैं तो उनको आप राजनीतिक पार्टी के तौर पे नहीं ले सकते यह उनका दायित्व है लोकतंत्र में डिसेंट के पक्ष में या एक यूं कहा जाए कि एक असहमति के पक्ष में अगर कोई आवाज किसी संगठन की उतरती है तो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता उसे फॉरेन फंड लेने का अधिकार है यह जो याचिका है इंसाफ नाम के एक संगठन ने दी थी और उस पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने यह बात कही है आज के वीकली राउंडअप की हमारी छठी और आखिरी कथा है दोस्तों जो ठेठ राजनीति की है दोस्तों राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की राजनीति अपने देश में गर्मा गई है केंद्र का जो सत्ताधारी दल है विपक्षी दलों के सदस्यों को पटाने और कुछ राज्य सरकारों को डराने की कोशिश कर रहा है अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा खबरें अखबारों में छप रही हैं टेलीविजन चैनलों पर भी खबर आ रही है कि विधायकों को तोड़ने और कुछ को खरीदने या हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है इसकी कोशिश हो रही है और बड़े पैमाने पर कुछ लोगों को कर्नाटक के भाजपाइयों को माना जाता है कि इसमें खास विशेषज्ञता है इसलिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ सत्ता समर्थक विधायकों को स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु ले जाया गया है अब इसमें कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं हम ऐसी खरीद फरोख्त नहीं करते कुछ कुछ लोग अपने से चले आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं बहरहाल कांग्रेस का आरोप है कि उसकी सरकार गिराने के लिए और राज्यसभा चुनाव के दौरान कोई तोड़ फोड़ करके विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे बांटने की कोशिश हो रही है पैसा देने की कोशिश हो रही है हॉस ट्रेडिंग का खुला एक खेल चल चला जा रहा है ये कांग्रेस के कुछ बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है मैं केवल आरोपों की बात कर रहा हूं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ये आरोप गलत है लेकिन यह सच है कि कुछ विधायक गायब हैं और एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है हम सब जानते हैं कि सदन से इस्तीफा देने का क्या मतलब होता है खासकर जब सत्तारूढ़ दल के पास ज्यादा बहुमत न हो बहुत मार्जिन पर हो तो ये जो माना जा रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर भी ये सब चीजें हो रही हैं मध्य प्रदेश सहित देश के कुल सत्रह राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं संसद के जो उच्च सदन जो जो राज्यसभा है उसकी कुल पचपन सीटें खाली हो रही हैं और 26 मार्च को चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि राज्यसभा में उसे अपनी संख्या बढ़ानी है पर उसकी एक मुश्किल है कि वो राज्यों में इधर लगातार चुनाव हार रही है कई राज्यों में उसके सामने संख्या बल की कमी है इसलिए वो मध्य प्रदेश में कुछ विधायकों को पटाकर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है ऐसा माना जा रहा है अभी उसने छत्तीसगढ़ में क्या किया भूपेश बघेल सरकार के पास वहां पर प्रचंड बहुमत है इसलिए उसको अस्थिर करना फिलहाल बहुत मुश्किल है सरकार के लिए यानी केंद्र के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उसने क्या किया कि राज्य सरकार को परेशान करने के लिए केंद्र अभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो कुछ निकटस्थ अधिकारी हैं कुछ बड़े अफसरान हैं और यही नहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ तक कि महापौर जो रायपुर के हैं इनके घरों पर दफ्तरों पर आयकर की जबरदस्त छापेमारी कराई गई पिछले दिनों आयकर के दर्जनों अफसर दिल्ली से गए और सैनिक बल के जवानों को लेकर गए राज्य के मुख्य सचिव डी किसी को सूचना नहीं किसी पुलिस का सहयोग नहीं लिया गया और अर्ध सैनिक बलों को लेकर बाकायदे छापेमारी की गई केंद्र और राज्य के रिश्तों के लिए मैं समझता हूं कि इससे नागवार गुजरने वाली बात कुछ और नहीं हो सकती है बेशक आपको अगर किसी एजेंसी को लगता है कि कहीं छापेमारी जरूरी है तो उसका एक वैध नियम है उसके एक तौर तरीके हैं एक प्रेसिडेंट बना हुआ है एक परंपरा बनी हुई है लेकिन मैं समझता हूं कि अर्धसैनिक बलों को उतार करके और छापेमारी करना जबकि स्टेट गवर्नमेंट आपको कॉपरेट कर सकती है उस मुद्दे पर आपको उससे बात करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो ये एक अजीब घटना है उधर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा नवीन पटनायक साहब ऐसा माना जा रहा है उड़ीसा की जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग कह रहे हैं कि उनको भी डरा धमकाकर या फुसलाकर जो बीजेडी है बीजू जनता दल उसके वोट के बल पर कम से कम एक या दो लोगों को भारतीय जनता पार्टी वहां से राज्यसभा में निर्वाचित कराना चाहती है अब अपने बल पर उसको एक सीट भी नहीं मिल सकती है उड़ीसा में एक सीट भी नहीं तो कैसे किया जाए क्या किया जाए एक ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं पार्लियामेंट्री जो गलियारे जो संसदीय गलियारों में यह भी चर्चा है कि शायद बीजेडी को लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद की पेशकश भी हो सकती है इसी तरह तमिलनाडु से अन्ना द्रमुक के सहयोग से एक या दो सीटें हासिल कराने की कोशिश जारी है तमिलनाडु में कुल छह सीटों के चुनाव होंगे महाराष्ट्र में सात उड़ीसा में चार बंगाल में पांच आंध्र में चार तेलंगाना में दो असम में तीन बिहार में पांच छत्तीसगढ़ में दो झारखंड में दो हरियाणा में दो गुजरात में चार और मध्य प्रदेश में तीन राजस्थान में भी तीन सीटें हैं इनके जो चुनाव हैं इसी 26 मार्च को होने वाले हैं फिलहाल 55 सीटों का मामला है और इन 55 सीटों पर जो खाली हो रही हैं अभी तक भाजपा के पास सिर्फ 15 सीटें थीं तीन जेडीयू के पास थीं चार अन्ना द्रमु के पास थीं जो बीजेपी के नजदीक हैं या बीजेपी का साथ देते हैं बीजेपी जो बीजेडी है बीजू जनता दल उसके पास दो सीट है कांग्रेस के पास तेरह अन्य विपक्षियों के पास अट्ठारह सीटें हैं यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और शिवसेना अब बीजेपी के साथ नहीं है याद रखिएगा तो शिवसेना एनसीपी टीएमसी इनको मिलाकर अगर देखा जाए तो अट्ठारह सीटें हैं तो अब देखना है कि राज्यसभा की इस सियासी लड़ाई में जो इतना भयानक दंगल में तब्दील हो गई है क्या होता है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का क्या भविष्य होता है कांग्रेस में वहां क्या वाकई स्प्लिट कराने में बीजेपी सक्षम होती है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इच्छा के अनुसार इस मकसद में अपने लक्ष्य में कामयाब होती है कि राज्यसभा में उसको एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाए इन्हीं शब्दों के साथ आज हफ्ते की बात में इन्हीं खबरों तक सीमित रहते हैं अगली बार फिर मिलेंगे नमस्कार आदाब सत श्री अकाल you <laughs>